हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल और देसी स्टाइल बर्गर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। सबसे पहले मैंने यहाँ आलूओं को उबाल लिया है और आलूओं को बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स उबालिएगा, जिससे कि इसमें कोई क्रैक्स ना आए। अगर क्रैक आ जाता है तो इसमें पानी चला जाता है और टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। तो सबसे पहले हम इसको कद्दूकस की मदद से इसको कद्दूकस कर लेंगे। आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, आप इसको मैशर का से मैश भी कर सकते हैं या हाथों से मैश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे आलूओं को कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कद्दूकस कर लिया। अब हम यहाँ स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ मैं 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ और मैं यहाँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ थोड़े से मटर डाले हैं, इनको मैंने उबाल लिया था और उबालते समय थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और यहाँ मैं किचन किंग का मसाले का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ चाहे पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं और इसका अपना ही बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। और यहाँ मैं अब कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा अदरक डाल रही हूँ, या इसकी जगह आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से हमारा ये डो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने टिक्कियाँ बनानी हैं और इसमें भी क्रैक साइड्स में ना हो। इस तरीके से हम टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है बर्गर बनाने का, और जो भी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं ये घर में आसानी से होती हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। सबसे पहले हम यहाँ टिक्कियाँ बना के रख लेंगे, उसके बाद हम बर्गर बनाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी एक और वीडियो है बर्गर की, वो यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। और वो जो बर्गर की रेसिपी है वो मैकडोनल्ड स्टाइल बर्गर है, और ये जो हम बर्गर बनाएंगे ये बिल्कुल देसी स्टाइल बर्गर है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। इस तरीके से हम ये पूरी टिक्कियाँ बना लेंगे और अब हम इसको फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ ये देखिए, थोड़ा ऐसे घुमाने से क्या होता है, ये क्रैक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं अगर टिक्कियों में हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन में सरसों का तेल थोड़ा गरम कर लिया था, जैसे मैंने यहाँ 1.5 से 2 चम्मच सरसों का तेल डाला था। अगर आप चाहते हैं रिफाइंड का यूज़ करना तो आप रिफाइंड का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, जितना भी आपका पैन है उसके अकॉर्डिंग आप टिक्कियाँ रख सकते हैं। मेरे पैन में 4 टिक्कियाँ आराम से आ जाएंगी, तो मैं यहाँ 4 टिक्कियों का पहले 4 टिक्की बना लूँगी। और फ्रेंड्स, इस बीच मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करा करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप नए हैं। और फ्रेंड्स, बस इस तरीके से हम अपनी टिक्कियों को सेक लेंगे। जैसे अभी 1 टिक्की की रखने की और जगह है, यहाँ हम 1 टिक्की और रख लेंगे। बस अब इसको जब एक साइड से बन जाए तो पलट देना है, और जब दूसरी साइड से बन जाए फिर पलट देना है। बस बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। देखिए, अभी थोड़ी देर पकने देते हैं और आँच बिल्कुल धीमी रखिएगा, तेज़ बिल्कुल मत रखिए। धीमी ही आँच में ही अच्छी टिक्कियाँ बनती हैं। वैसे तो पकी हुई हैं आलू हमारे पके हुए हैं, लेकिन जब धीमी आंच में बनाएंगे तो ये बहुत ही कुरकुरी टिक्की तैयार होगी। ये देखिए, हमारी टिक्की बनके रेडी हो गई है। ये बहुत ही अच्छी बनी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम मैंने यहाँ थोड़ा सा देसी घी डाला है और जो हमारे बन हैं, ये देखिए, ये हमारा बन है, ये बीच से कटा हुआ है। अगर आपका नहीं कटा तो आप ऐसे चाकू से इसको काट सकते हैं। अब हम इस बन को सेकेंगे। मैं यहाँ आप यहाँ बटर का भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ देसी घी का यूज़ कर रही हूँ।
और अब आप रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इसको दोनों साइड से इसको सेक लेना है और यहाँ पर भी आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। एक एक बन को आप रेडी करिएगा और एक एक पर्सन को आप सर्व करिएगा। सारे बन एक साथ तैयार करके नहीं रखने हैं। अब जैसे ये एक पर्सन के लिए हम बनाएंगे, ये देखिए हमारा बन बिल्कुल रेडी हो गया है। बस इतना सा सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना। अब मैंने यहाँ वाइट मेयोनी और रेड टमाटो सॉस ले लिया था, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास रेड सॉस नहीं है या वाइट मेयोनी नहीं है, इसको आप अकेले भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो इसमें आप रेड सॉस की जगह रेड चिली सॉस भी डाल सकते हो, और अगर रेड चिली सॉस नहीं है तो इसमें आप मिर्ची डाल सकते हो रेड। ये देखिए ये हमारी धनिया की चटनी है। धनिया की चटनी में मैंने धनिया, टमाटर और थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची का यूज़ किया है, उसको पीस लिया है। सबसे पहले यहाँ हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। और अब हम इस पर टिक्की रख देंगे, गर्मा गर्म टिक्की रख देंगे। अब इस साइड हम ये मेयोनी लगाएंगे। और मैंने यहाँ प्याज और टमाटर का यूज़ कर रहा है। आप इसमें खीरा भी रख सकते हो, लेटिस भी रख सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। ये हमारा रेडी हो गया बर्गर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल तरीके से बना है। और बर्गर खाइए और इन्जॉय करिए। बाय बाय।